ठीक है, तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ लाइट के बिहार पे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या है। डिस्क्राइब द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो हमें गिवन है यहाँ पे। इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या गिवन है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फोकल लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें बताना है कि नेचर क्या है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, V चाहिए और M चाहिए, ताकि हम बता पाए कि क्या नेचर है। तो अब ये पता करने के लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला का। तो मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, 1/V + 1/U = 1/F। बट मिरर फॉर्मूला को यूज करने के लिए जितने भी हमारे पास वैल्यूज गिवन होती हैं उनका हम क्या करते हैं, सिंबल यूज करना होता है। तो सिंबल यूज करने के लिए कॉनकेव मिरर के लिए मैंने बताया था फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। क्योंकि ये सारे क्या है, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में, मिरर के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो सारे क्या लेने पड़ते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि 1/V = 1/F, 1/F की जगह क्या लिखा जा सकता है, -10, और ये 1/U है, इधर आके क्या हो जाएगा, -1/U, और क्योंकि वो खुद नेगेटिव है तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 1/10 -10 प्लस 1/15, हमने क्या ले लिया, एलसीएम। तो एलसीएम अगर लेंगे तो हम इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 × 30 आएगा एलसीएम। आप एलसीएम लेके देख लीजिएगा, तो एलसीएम क्या आएगा, -3 प्लस में 2, तो उसको हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएंगे, -1/30। ये क्या है, 1/V, तो हम V की वैल्यू देखिए क्या लिख सकते हैं, V = -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि V नेगेटिव है, V नेगेटिव का मतलब है कि जो इमेज बनी है वो क्या बनी है, मिरर के लेफ्ट साइड पे बनी है। अगर मिरर के लेफ्ट साइड पे बनी है तो वो क्या होगी, रियल। ठीक है, एंड नाउ अब हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम देख सकते हैं, मैग्निफिकेशन होता है -V/U। तो हमारे पास V गिवन है, V अभी हमने निकाल लिया माइनस, और ये क्या है, ऑलरेडी -30 है, और ये U क्या है, -50। तो उसको हम क्या लिखेंगे, +30/-50, जो कि कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, -2। देखिए मैग्निफिकेशन क्या आ गया, 2। 2 का होने का मतलब क्या है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से दुगना है, ट्वाइस हो चुका है। साइज क्या है, ट्वाइस है, साइज क्या है, ट्वाइस। ठीक है, बट ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब है कि मिरर के क्या है, वो नीचे की साइड बना है। ठीक है, यानी कि जो हमने मिरर में केस बताया था तो वो क्या बना है, ऐसे नीचे की तरफ बना है। अगर नीचे की तरफ बना है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनवर्टेड। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए, अगर V नेगेटिव है तो कौन सी इमेज होगी, रियल, और अगर M नेगेटिव है तो कौन सी इमेज होगी, इनवर्टेड। अगर M पॉजिटिव होता तो जो इमेज की फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट, यानी कि इरेक्ट का मतलब वो पॉजिटिव की साइड में फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल मैंने एक बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर पे किया है। ठीक है, वो किस लिए था, कॉन्केव मिरर के लिए था। तो इसमें एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है ऑब्जेक्ट की, तो मैं एच ओ से डिनोट कर रहा हूँ, ये क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लेस्ड ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या लिखा है, 10 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बात करेंगे तो वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम सिंबल की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियस है कि जो भी मिरर है मिरर के ऊपर ही रखा होगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। एंड क्योंकि ये मिरर के लेफ्ट साइड में, तो यू क्या होगा, नेगेटिव। यू कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, यू हमेशा ही नेगेटिव लिया जाता है। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव,
बट कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो राइट हैंड साइड पे लाई करता है, अगर राइट हैंड साइड पे लाई करता है तो वो क्या रहेगा पॉजिटिव। तो उसका फोकल लेंथ का मैंने रिलेशन बताया था आपको, फोकल लेंथ क्या होता है आर बाय टू, तो इसको हम क्या ले सकते हैं प्लस का 50 सेंटीमीटर, तो ये हमें फोकल लेंथ मिल गया। अब हमें वही सेम क्वेश्चन है, नेचर पोजिशन और साइज बताना है। तो नेचर पोजिशन साइज बताने के लिए हमें वी चाहिए होता है और एम चाहिए होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला के लिए मैं 1 बाय वी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू, ठीक है। तो अब हम यहाँ हम देख रहे हैं 1 बाय वी क्या है, 1 बाय एफ मिरर फॉर्मूला लगा, तो फोकल लेंथ की वैल्यू हमने रख दी है 50 एंड यू की वैल्यू रख दी है माइनस 10। अब हमने क्या किया यहाँ एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आ गया 30 और ये क्या जाएगा 2 और ये क्या जाएगा 3, तो इसको क्या कह सकते हैं 5/30, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6, तो v की वैल्यू क्या आएगी 6 सेंटीमीटर, और क्योंकि v पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया वर्चुअल पॉजिटिव होने का मतलब क्या है मिरर के राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ये क्या होगा वर्चुअल। एंड अब हम मैग्नीफिकेशन देख रहे हैं, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है माइनस v अपॉन में u, तो v की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस 6 और यू की जगह क्या लिखेंगे माइनस 10, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन हो गया, मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब है क्या ये इरेक्ट है, इमेज क्या है इरेक्ट, ठीक है। अब एक और चीज हमें निकालने के लिए बोल रहा है साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज के लिए हम मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज हम क्या देख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज को मैंने एच आई रहने दिया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 5 दे रखा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या दे रखा है 0.6, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.0 सेंटीमीटर। तो हम क्या देख सकते हैं कि हाइट पहले ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर थी, अब 3 सेंटीमीटर, यानी क्या हो गया डिमिनिश्ड हो गया, छोटा हो गया, स्मॉल है। तो इमेज का नेचर क्या हुआ स्मॉल वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में बैठ करके देखते हैं, तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है, अ लाइट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, ठीक है। तो क्या गिवन है वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ को मैंने बताया था लास्ट क्लास में लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ये क्या दे रखा 500 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10^-9 मीटर, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं 500 इंटू 10^-9 मीटर। अब क्या दे रहा है इन एयर एंटर अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या दे रखा है 1.5। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट स्पीड फ्रिक्वेंसी वेव लेंथ, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं वेव लेंथ, ध्यान दीजिए ये जो वेव लेंथ दे रखा है वो एयर में दे रखा है, ठीक है एयर में, लेकिन हमसे जो वेव लेंथ पूछा है वो क्या पूछा है ग्लास में। तो अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को मैं v से डिनोट कर रहा हूँ। तो हम v को क्या लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं सभी 3 × 10^8 होती है, c की वैल्यू 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। अब ये v उधर चला गया तो ये क्या आ गया डिवाइड में 1.5, ये पॉइंट डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ जाएगा और इसको कैंसिल किया तो ये क्या हो गया 5, ये कैंसिल हो गया तो 2। तो वेलोसिटी हम क्या देखेंगे 2 × 10^8, ठीक है। ग्लास वाटर में जो वेलोसिटी होगी वो एयर की कितनी होगी 2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट स्पीड। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कभी भी एयर की चेंज किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, मीडियम बेशक चेंज हो जाए, मीडियम से चेंज होने की से उसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है, वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा ही कांस्टेंट रहती है।
तो अब हमने फ्रीक्वेंसी पे वाले एक फॉर्मूला आपको लोगों को बताया है लैम्डा न्यू, ठीक है। तो इस न्यू को हम, न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन एयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में क्या जाएगा लैम्डा, जो कि एयर में था, तो वो है 500 × 10⁻¹। ठीक है, तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम ये देख सकते हैं 5 से अगर कैंसिल करेंगे, सपोज कीजिए ये अगर 5 से कैंसिल किया तो ये 100 आ गया, और ये 5 से कैंसिल हुआ तो ये देखिए कितना आ जाएगा 0.6। ठीक है, अब यहाँ हम पावर देखेंगे, ये इसको अगर सॉल्व करेंगे 0.6 × 10⁸, कोई भी न्यूमरेटर से जब डिनोमिनेटर में जाता है तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 9 नेगेटिव का था तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का। एंड ये 100 है, 100 की पावर 2 लिख सकते हैं, वो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव। तो उसको हम लिख सकते हैं 0.6 × 10⁻¹। ठीक, सॉरी 2 के कैंसिल कम हुआ तो कितने, 6 15। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ज, ये 15 है। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारा दूसरा पार्ट भी निकल गया फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जो वेलोसिटी उसकी क्या है, वाटर में है, तो जो वेवलेंथ है वो क्या है, ये एयर वाली थी, ये वेवलेंथ क्या है, वाटर का। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, वेवलेंथ इन वाटर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, वेलोसिटी इन वाटर अपॉन में फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी जो वाटर में है वो है 2 × 10⁸, और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 0.6 × 10⁵। तो इसका एक डेसिमल हटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 3। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.3 × 10⁵। जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, -7। इसको हम किस में लिखेंगे, मीटर। ठीक है, लैम्डा वाटर। अब क्योंकि अगर हम इसको नैनोमीटर में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये डेसिमल हम हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी, पावर -9। तो उसको क्या लिख सकते हैं, 333 नैनोमीटर। तो ये वेवलेंथ क्या होगी, वाटर। तो इसमें, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था, उसके लिए आपने हमने क्या निकाला, वेलोसिटी में निकाला, वाटर में, वाटर में हमने बेसिकली वेलोसिटी निकाला है। एंड फिर उस वेलोसिटी का अब हमने क्या किया, वेवलेंथ निकाला है पहले एयर में, वेवलेंथ एयर में गिवन थी तो उससे फ्रिक्वेंसी निकाला, उस फ्रिक्वेंसी को यूज करके हमने वेवलेंथ जो वाटर में होगी वो निकाल लिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, तो देखिए ये हमारा न्यूमेरिकल क्या है, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आर दिस एंड दिस। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का हमें गिवन है, वो क्या गिवन है, 4/3, एंड ग्लास का गिवन है वो क्या है, 3/2। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, यानी ग्लास का ये है और वाटर का क्या है, 4/3, रिस्पेक्टिवली साथ के साथ। ठीक है, उसके बाद है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी क्या दे रखा है, वाटर में एयर का क्या दे रखा है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो अब हमसे पूछा जा रहा है वैक्यूम में, यानी वैक्यूम मतलब एयर लिख सकते हैं, उसमें कितनी वेलोसिटी है, और सॉरी ये ग्लास का भी है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो और क्या पूछा जा रहा है, वाटर में क्या होगा, एयर। तो अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, वी जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वी जी हमारे पास है, तो सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, और ये वी जी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 10⁸, तो 2 × 2 कट जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो कि हम वैसे भी जानते हैं सी की वैल्यू यही होती है, तो ये करेक्ट है। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, तो दूसरे पार्ट पे हम देखेंगे
इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ जो वाटर का होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, द स्पीड इन वैक्यूम अपॉन विद स्पीड इन वाटर। तो वी डब्ल्यू यहाँ निकाल सकते हैं, वी डब्ल्यू देखिए क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻³ है और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9/4 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं पूरा, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा रिजल्ट आ, दोनों जो स्पीड वैक्यूम पूछा था और ध्यान रखिए जब कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो यूनिट लिखना जरूरी है, यूनिट लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, और हमें आंसर स्टैंडर्ड यूनिट्स में SI यूनिट्स में छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम आगे न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हुज पावर इज गिवन एज, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पावर गिवन है प्लस 2 डेप्थ। तो हमने लास्ट क्लास में पावर का फार्मूला पढ़ा था, पावर क्या होता है 1/F, तो इसका मतलब F क्या लिख सकते हैं 1/P, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है 0.5 मीटर। तो ये क्या हो गया फोकल, ठीक है, तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन है, क्या जब फाइंड करना है, फाइंड पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, हमारे पास दो लेंसेज गिवन है, ठीक है, एक का पावर प्लस में और एक का पावर क्या है नेगेटिव में है, तो कॉम्बिनेशन निकालना है, तो कॉम्बिनेशन का हम फॉर्मूला जानते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज़ इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, तो पी क्या हो जाएगा 3.2 प्लस माइनस 2.2, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 डायरेक्टर, ठीक है, तो एक पावर है। ध्यान दीजिए यूनिट लिखना जरूरी है, डायरेक्टर क्या होगा, पावर की यूनिट क्या होती है डायरेक्टर, ठीक है, एंड इसमें फोकल लेंथ पूछा जा रहा है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, नॉर्मली 1/P कर देंगे, तो 1/1, ये देखिए 1 मीटर है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहता हूँ तो 100 सेंटीमीटर निकाल सकता है, तो ये रहा हमारा फोकल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे देखिए क्या हमें गिवन है, गिवन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर हाई है, ठीक है, तो इसमें अभी हम देखते हैं, तो इसका बेसिकली रे डायग्राम भी बनाना है, तो मैं एक क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, या आप कह सकते हैं ये उत्तल लेंस है, तो इसमें आप देखिए क्या कह रहा है, इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग अच्छा जितने भी लेंथ हमेशा मेजर किए जाते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं, तो 25 सेंटीमीटर पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जो क्या है 5 सेंटीमीटर हाई है, यानी 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट ए बी। अब क्या बोला जा रहा है, फोकल लेंथ 10 है, ये कितना था 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 10 है, फोकल लेंथ अगर 10 है, ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो फोकल लेंथ का ट्वाइस कितना होगा 20, इसको हम क्या लिखेंगे सेंटर, यानी कि क्या है बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर के बाद में, तो अब इसका पहले रे डायग्राम ही देख लेते हैं फिर वैल्यू देख लेंगे, तो रे डायग्राम देखिए क्या होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, एक पैलर रे भेजेंगे, वो पैलर रे क्या होगा, जो फोकस क्या होगा इस तरफ होगा, उस पर इंटरसेक्ट करेगा, ये फोकस है, ठीक है, और ये दूसरा क्या है सेंटर, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा ऐसे पास होगा, ठीक है, एंड अगर आप कन्फ्यूज नहीं होना चाहते तो उसको एफ डैश लिख लें, तो ये हो जाएगा, और दूसरी हम देखेंगे रे क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से रे अगर जाएगी तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, तो एफ एंड सी के बीच में इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये क्या है बी डैश और ये क्या है ए डैश, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये रे डायग्राम हो गया, इसकी पोजिशन बतानी है कि ये ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ पे है, यानी वी की वैल्यू निकालनी है, और आगे क्या पूछा जा रहा है साइज क्या है,
यानी हाइट ऑफ इमेज बतानी है एंड नेचर क्या है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्या है, हमें क्या गिवन थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन थी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिखा है। व्यू गिवन है कितना है, 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि लेंथ के वो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसको हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ हमें क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ इसका जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, हमने क्या लिख दिया पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, लेंस है, तो इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, लेंस फॉर्मूला लगाना होगा। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/b - 1/u = 1/m, ये क्या है, लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में क्या होता था, फ्लैश होता था, तो हम यहाँ निकालना चाहते हैं 1/b, तो क्या लिख सकते हैं 1/10, और ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 25। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ क्या लगना पड़ेगा, एलसीएम। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखेंगे 50 आएगा एलसीएम, तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो ये 5 हो जाएगा -2, तो क्या आएगा 3/50। तो यानी वी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 50/3, 50/3 अप्रॉक्सीमेट 16.67 के करीब आएगी, सेंटीमीटर में है तो हमने क्या लिख दिया सेंटीमीटर, ये क्या है प्लस की। देखिए प्लस का है तो ये लेंस की क्या है, राइट हैंड साइड पे, देखिए ये क्या है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो हाइट अच्छा राइट हैंड साइड है तो ये इस इमेज को हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज, क्योंकि प्लस है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज, ठीक है। अब हाइट निकाल लेते हैं, हाइट निकालने के लिए हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी का एक और दूसरा भी फॉर्मूला हम जानते हैं, वी अपॉन में यू, ठीक है। क्योंकि ये लेंथ है तो मैंने नेगेटिव का सिंबल नहीं लगाया। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, तो हम क्या लिखेंगे वी, वी की वैल्यू कितनी आई है 16.67, और यू की वैल्यू क्या दे रखी है 25 नेगेटिव की, ठीक है। तो देखेंगे हम हाइट जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अगर नेगेटिव अगर वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये देखिए नेगेटिव एक्सिस में प्लॉट किया गया है। अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको क्या लिख सकते थे, 50/3 × 25, तो 25 एक कट जाता 2, तो ये क्या जाता -0.66, ठीक है। तो ये क्या जाता हाइट ऑफ इमेज सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो इमेज है, इस ये जो इमेज है ये क्या है, ओरिजिनल इमेज से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा और फोकस और सेंटर के बीच में होगा, ठीक है। एंड इसको क्या बोलेंगे, ये इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने क्या देखा, सारे न्यूमेरिकल्स देखे लाइट से रिलेटेड। अब आप अपने घर पे NCERT की बुक या कोई भी रेफरेंस बुक लेके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड लाइट के